भारत माता की जय। मैं यहाँ की इंतज़ामिया का धन्यवाद करता हूँ, डीसी पुंछ का धन्यवाद करता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जो कल एसडीएम मेंडर ने जो कल कार्रवाई की है, एक बहुत अच्छी कार्रवाई है कि जो गवर्नमेंट की लैंड है, मिनी स्टेट के इर्द गिर्द है, कॉलोनियों के पास, कॉलोनियाँ जो हमारी हैं बहुत बड़ा एरिया है उसके पास है, बस स्टैंड हमारा है, इसमें भी एनक्रोचमेंट बहुत बड़ी हुई है, बिजली घर है, बहुत सी ऐसी जगह है, हॉस्पिटल है, ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जो है यहाँ एनक्रोचमेंट हुई है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूँगा, एसडीएम साहब से प्रार्थना करूँगा, डीसी साहब से प्रार्थना करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से प्रार्थना करूँगा कि बराबर ब्लेड लगाया जाए। क्यों? कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर जो हमारे वहाँ पर रहते थे शेख साहब थे, दूसरा तीसरा था, उनका जो है आपने निकाल ली ज़मीन, जो मेन रोड में थी या किसी जगह में थी आपने निकाली है, उनका ये कहना है गरीब लोगों का, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी ज़मीनें निकाली गई है, जो अरसर सरूक वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट की लैंड ले करके बैठे हैं, उन पर भी कार्रवाई फौरी तौर की जाए। लिहाजा जो कुचले हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं जो बैठे हुए 47 हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है, तो जो 1965 के बाद हैं, 71 के बाद हैं, 80 के बाद हैं, 2000 में जो लाट मिनटें हुई हैं उन सबको कैंसिल किया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट की लैंड जो है वो खाली होनी चाहिए। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूँगा कि जितना इलाका है डाक बंगले के इर्द गिर्द, मेंडर टाउन के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, यहाँ पर भी अगर एनक्रोचमेंट हुई है और सबके साथ बिजली कार हुआ, हॉस्पिटल है और जितना किसी स्कूल के एरिया, स्कूल बहुत से हैं यहाँ, 10 कनाल स्कूल बना है वहाँ, अभी 10 मरले में स्कूल इन्होंने रखे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो जाए। जितनी सरकारी रकबे हैं 555 के अंदर आते हैं या और रकबे आते हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी एक गरीब की पिक एंड चूज करके आप करोगे तो इससे हमें भी नुकसान होगा और हमें भी लोग जो है लोग शिकायतें करते हैं, लोग अगर एक बार पिक एंड चूज होगा लोग रोडों पर उतरेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर कार्रवाई करनी है, एसडीएम साहब मेंडर आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, आपने पेट्रोल पंप के पास जो है डीडीसी बीडीसी का वो जो आप हाल बना रहे हैं उसका भी धन्यवाद करते हैं, और ये सरकारी आए देखें आप कि मेंडर के अंदर जितने हमारे दफ्तर सरकारी हैं, सोशल वेलफेयर आंगनवाड़ी का दफ्तर देखो किराए पर है, रेडियो ऑफिस जो है वो किराए पर है, जितने ऑफिसर हैं वो किराए पर हैं, डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं उनको रुकने नहीं देते, उनके क्वार्टरों की जगह नहीं है, वो किराए पर है, जो भी ऑफिसर आता है वो रेंट पर रहता है, जितने रकबे हैं ये खाली किए जाएं, जितने क्वार्टर हैं सब खाली किए जाएं, एक जैसा सलूक किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, बाहर से हमारा कोई डॉक्टर आए, कोई ऑफिसर आए, वो हमारा इलाज करे और हमारी जो मेंडर की देख रेख करे। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से प्रार्थना करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से प्रार्थना करूँगा, जनाब डीसी साहब से प्रार्थना करूँगा, गरीब अमीर एक ही साथ में होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास है और इसमें कोई भैरभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी आता है अगर आपके सरकार के एरिया में, अगर सरकार की ज़मीन पर है, उसको फौरी तौर खाली कराया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद।